नमस्कार दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में वो अपने फिजिशियन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर में उमर अब्दुल्ला लंबी काली सफेद दाढ़ी में दिख रहे हैं। उमर अब्दुल्ला पिछले साल 5 अगस्त को भारत सरकार द्वारा धारा 370 हटाए जाने के बाद से हिरासत में है। इस फैसले के बाद कई और प्रमुख नेताओं को हिरासत में लिया गया था। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में कर्फ्यू लगाने के साथ साथ इंटरनेट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। उमर अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत शांति के लिए खतरा बताया गया था। इसके तहत पुलिस किसी को भी 6 महीनों तक हिरासत में रख सकती है और हिरासत की इस अवधि को पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर आगे कितने भी समय तक के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। दोस्तों को बता दें, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जनवरी में कम स्पीड की इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया था, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगातार बना हुआ है। लेकिन लोग VPN का इस्तेमाल कर प्रतिबंध के बावजूद भी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। बुधवार को प्रशासन ने सोशल मीडिया से भी प्रतिबंध हटा दिया। हालांकि 17 मार्च तक हाई स्पीड इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा हुआ है। जैसे ही सोशल मीडिया से प्रतिबंध हटा, लोगों ने देखा कि उमर अब्दुल्ला ने युद्ध विराम के उल्लंघन के लिए तालिबान पर अमेरिकी हमले वाला एक ट्वीट लाइक किया है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने इसके बाद में उस ट्वीट को डिसलाइक कर दिया, लेकिन इसके स्क्रीनशॉट्स वायरल हो गए। इसके बाद उमर अब्दुल्ला की अपने डॉक्टर के साथ एक तस्वीर वायरल हुई। इससे पहले भी पिछले साल उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी दिख रही थी। उमर अब्दुल्ला की बहन ने उनकी हिरासत को सुप्रीम कोर्ट पे चुनौती दी थी, लेकिन उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।